फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। मेरठ जागृति विहार में ज्वेलरी शोरूम लूट व सर्राफ पुत्र की हत्या को हुए 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस अपने दावे के विपरीत इस कांड का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित ने शनिवार तक हत्यारों के पकड़े न जाने पर रविवार को मेरठ बंद की घोषणा कर पुलिस प्रशासन पर दबाव बना दिया है। वहीं आज शोक सभा में तमाम लोगों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंच गए। प्रदेश व शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने पर सपा व भाजपा पदाधिकारी आमने सामने आ गए और टकराव के हालात पैदा हो गए, जिस पर वहां तमाम लोगों ने यह कहते हुए विरोध करना शुरू कर दिया कि किसी को भी पीड़ित परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। सफेद कुर्ते पजामे पहनकर वे यहां राजनीति करने आ गए हैं। इस पर सपा नेता वहां मुख्य द्वार पर ही धरना देकर बैठ गए, जबकि भाजपा एक दुकान का शटर खुलवाकर। बीते 8 सितंबर को जागृति विहार में दिन दहाड़े भागमल ज्वेलरी शोरूम को 4 बदमाशों ने लूट लिया था। बदमाश 10 लाख रुपए वे 5 किलो चांदी लूट कर ले गए थे। विरोध करने पर बदमाशों ने सर्राफ के पुत्र अमन जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस का दावा था कि वह बदमाशों के बेहद करीब पहुंच गई है और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आज दूसरे दिन शोक सभा हुई। शोक सभा में सपा नेता अतुल प्रधान ने सरकार व सिस्टम को घेरने की कोशिश की तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में यहाँ राजनीति नहीं चलेगी। मैं सब लोग पत्रकार साथी बने और परिवार के लोग भी दूर दराज से हमारी माताएं बहने भी आई हुई और सभी संगठनों के लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भाई परिवार ये आकर चलेगा कैसे। एक इकलौता चिराग था, इकलौता बेटा था, वो खाना खुद बना के इस परिवार के माता पिता को दोनों को पाल रहा था। भाई लुटेरे हत्यारे पकड़े जाए, इनकाउंटर हो, जो सबसे बड़ी चीज है वो उसके साथ हो। 24 घंटे का समय कल तक था। व्यापारी साथी बैठे, नवीन जी बैठे, हमारे संघर्ष पिछड़े भाजपा जी सब लोग खड़े और तमाम लोग यहाँ पर खड़े। व्यापार संघ के लोगों ने ही, व्यापारी लोगों ने ही 24 घंटे का अल्टीमेटम परसों दिया था, जिसका अल्टीमेटम कल पूरा हो चुका। और कल से फिर कल जब यहाँ पर हम लोग आए थे, सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो कल ये बात हुई थी कि 24 घंटे का समय और दे दिया जाए और अगर 24 घंटे में पूरी नहीं होती चीज तो तमाम लोग यही धरना देकर बैठेंगे। जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक एक भी आदमी उठेगा नहीं। जिन्होंने मारा उनके साथ सजा का प्रावधान जो जैसा कर सकते हो, इनकाउंटर हो या जो चीज हो। दूसरे नंबर पर परिवार कैसे चलेगा जी? परिवार चलेगा इसकी मदद से। हमने कई बात कही थी, भैया जो जो आदमी हो मदद होगी दो तरीके से। एक तो वही पकड़ में आएंगे, मदद यहाँ पर आर्थिक रूप से कैसे हो, आर्थिक रूप से मदद होगी। हम सब लोग संपन्न लोग हैं, क्या जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग आए, मैं समझता हूँ बड़े बड़े पदों के लोग हैं, बड़े बड़े ताकत के लोग हैं, भैया इस परिवार की मदद करके जाए, परिवार की मदद करके जाए। हाँ ना, हाथ कर खड़े होकर बताओ भैया मदद करने के लिए आए नहीं आए? इस परिवार की मदद करे। एक मदद होगी अपने पास से और दूसरी मदद होगी सरकार से। सरकार से मदद के लिए 50 लाख की बात रखी गई थी, कल बहन रखी गई थी, रखी गई थी यहाँ कि परिवार को 50 लाख की मदद होगी और मदद नहीं होगी तो लड़ाई लड़ी जाएगी। हंगामा होते देख पुलिस भी वहां हरकत में आ गई। पीड़ित परिवार ने मीडिया को भी कैमरे चलाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि कैमरे देख सफेद कुर्ते पजामाधारी राजनीति पर उतर आते हैं, अगर कैमरे चले तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। उधर संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित के महामंत्री संजय जैन ने फर्स्ट बाइट को बताया है कि अगर शनिवार तक अमन जैन के हत्यारे न पकड़े गए और उन्हें सही जगह तक नहीं पहुंचाया गया तो रविवार को संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित
मेरठ बंद कर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा। व्यापारी साथियों, आप सबको मालूम है अब से दो दिन पूर्व युवा व्यापारी अमन जैन जो जागृति बिहार सेक्टर 2 में सदाफ का व्यवसाय करते हैं, दिन दहाड़े उनके साथ लूट और लूट के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो दिन से मेरठ का व्यापारी इस हत्या से रोषित है। घटना के खुलासे की मांग पुलिस प्रशासन से और मृतक के परिवार को 50 लाख के मुआवजे की मांग व्यापारी समाज द्वारा की जा रही है। अपना व्यापारी समाज दो दिन से दहशत में है। अपराधियों को पकड़े जाने और उनको उचित दंड दिलाने की मांग को लेकर 48 घंटे का समय हमने जिस पुलिस प्रशासन को दिया था घटना के खुलासे के लिए, और खुद पुलिस प्रशासन ने कप्तान ने श्री अजय सानी ने घोषणा की थी कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़कर आपके सामने खड़ा कर देंगे, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद भी अपराधी पुलिस पकड़ से दूर है। आज यहां पर जागृति बिहार में अमन जैन की हत्या के बाद हुई शोक सभा में हत्यारों को पकड़े जाने की मांग को लेकर, उनको उचित दंड की मांग को लेकर इस शोक सभा में हमने घोषणा की है कि अगर शनिवार की रात्रि तक मेरठ पुलिस द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, उनको उचित स्थान पर नहीं भेजा गया, तो हम रविवार को मेरठ बंद करने के लिए मजबूर होंगे और मेरठ का एक एक बाजार और बाजार की एक एक दुकान शनिवार तक अपराधी न पकड़े जाने के कारण बंद रहेगी। अगर शनिवार की रात तक अपराधी पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस अपराधियों को दंडित करने का काम प्रारंभ करती है, तब इस बंदी पर विचार होगा। अन्यथा मेरा आप सभी व्यापारी साथियों से निवेदन है कि रविवार की अपनी बंदी की तैयारी अपने बाजार संघ की बैठक बुलाने की अगर आवश्यकता हो, अन्यथा अपने बाजार संघों के व्यापारियों को सूचना देकर रविवार की बंदी की तैयारी प्रारंभ कर दें। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।